जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इस शुट के YouTube चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 CBSE बोर्ड मैथमेटिक्स के 6 चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चन नंबर 21 को देखने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 21 है, ये क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छी तरह से समझना है। देखिए क्या दिया हुआ है, ऑफ ऑल द क्लोज्ड सिलिंड्रिकल कैन, तो सिलिंड्रिकल कैन जो है यह राइट सर्कुलर है, ऑफ गिवन वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम जो है ये गिवन है, तो जो गिवन होता है वो कांस्टेंट होता है। अब देखें, अगर इस सिलेंडर की हाइट h हो और इसका रेडियस ऑफ द बेस इज इक्वल टू स्मॉल r, देन v इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर h, वैल्यू ऑफ v इज गिवन, गिवन वॉल्यूम ऑफ 100 क्यूबिक सेंटीमीटर, ये वॉल्यूम दिया गया है, ये 100 इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ से हम चाहें तो एच की भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, फिलहाल देखते हैं। फाइंड द डाइमेंशंस ऑफ द कैन, कैन का डाइमेंशन, तो डाइमेंशन में क्या होता है, इसका हाइट हो जाएगा और बेस का रेडियस हो जाएगा, ये डाइमेंशन हो जाएगा। फाइंड द डाइमेंशंस ऑफ द कैन विच हैज द मिनिमम सरफेस एरिया, इसका सरफेस एरिया मिनिमम होना चाहिए। तो देखिए सरफेस एरिया जो होता है ये 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच होता है। हम ऐसा करते हैं कि h की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लेते हैं, इसको इक्वेशन देखिए, h की वैल्यू हम फाइंड करेंगे तो ये 100 अपॉन पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम कर लेते हैं। तो इक्वेशन 1 से h की वैल्यू हम इक्वेशन 2 में रखते हैं। अब देखिए सरफेस एरिया को हमें प्रूफ करना है कि सरफेस एरिया मिनिमम होगा। तो अब देखें h की वैल्यू हम यहाँ रख देते हैं, पुट करते हैं, तो s इज इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एंड h इज इक्वल टू 100 अपॉन पाई आर स्क्वायर। फिर क्या होगा, पाई से पाई कैंसिल हो गया और r से स्क्वायर कैंसिल हो गया, s इज इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 200 अपॉन r, तो r को हम चाहें तो ऊपर ले जा कर के r इनवर्स लिख सकते हैं। हमें सरफेस एरिया दिखाना है, शो करना है कि ये मिनिमम होगा, तो अब जो है r के रिस्पेक्ट में इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये हो जाएगा ds अपॉन dr इज इक्वल टू 2 पाई और r स्क्वायर का डिफरेंशियल कोफिशिएंट 2r और प्लस ये 200 और फिर यहाँ r इनवर्स का होगा माइनस 1 अपॉन r स्क्वायर हो जाएगा। तो अब देखें फिर क्या होता है, ds अपॉन dr इज इक्वल टू ये 4 पाई r माइनस 200 अपॉन r स्क्वायर। फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ r, वी इक्वेट ds अपॉन dr इज इक्वल टू 0, ds अपॉन dr इज इक्वल टू 0, देन 4 पाई r माइनस 200 अपॉन r स्क्वायर इज इक्वल टू 0, फिर ये होगा आपका 200 अपॉन r स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा, या देखें चलिए करते हैं, ये हो जाएगा आपका 4 पाई r, अब यहाँ हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 200 इज इक्वल टू 4 पाई r क्यूब। अब 4 से इसको कट कर देते हैं या r क्यूब की वैल्यू फाइंड करें
तो ये हो जाएगा 200/4π, अब 4 से इसको कट कर देंगे तो ये हो जाएगा 50/π। तो यहाँ से देखें r की वैल्यू निकलेगी, क्यूब जब अपोजिट साइड में जाएगा तो पावर 1/3 हो जाएगा, ये हो गया 50/π टू दी पावर 1/3। ये तो r की वैल्यू निकल गई, देखें वन डायमेंशन भी हमें निकल गया क्योंकि r और h की ही वैल्यू हमको फाइंड करनी थी। अब इसके बाद हम लोग अब यहाँ सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड करते हैं इसका। तो देखें अगर सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड करना हो तो यहाँ हो जाएगा ये आपका d2s/dr² देखें ये है 4πr, तो ये हो जाएगा 4πr का तो 1 हो जाएगा और r^-2 ऊपर गया है तो फिर ये हो जाएगा -2×100/ नीचे आ जाएगा और ये हो जाएगा r³। फिर देखें d2s/dr² = 4π और -×- हो जाएगा और ये हो जाएगा 200/r³। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ r, तो देखे r³ की वैल्यू पहले हमने फाइंड किए थे, वैल्यू ऑफ r³ = 50/π। फिर सॉल्व करते हैं, यहाँ देखे 4π और +200 और वैल्यू ऑफ r³ = 50/5, तो 50/π ऊपर चला जाएगा और फिर 50 से इसको कट कर दीजिए तो 4 हो जाएगा। d2s/dr² = 4π + 4π 8π एंड दिस वैल्यू इज पॉजिटिव, हेंस वी कैन से दैट द सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर टाइप कैन इज मिनिमम, तो इसका सरफेस एरिया मिनिमम हो जाएगा। अब देखें इसका डायमेंशन भी फाइंड करना था, तो डायमेंशन में रेडियस हम लोगों ने फाइंड कर लिया 50/π·1/3, रेडियस निकल गया। अब हम r की वैल्यू रख देंगे तो h की वैल्यू निकल जाएगी। देखिए यहाँ से h की वैल्यू हम फाइंड करते हैं, यहाँ नोट कर लेते हैं h = 100/π और r की जो वैल्यू है देखिए ये है और इसका स्क्वायर कर देंगे तो पावर 2/3 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 50/π·2/3। तो यहाँ से यच की वैल्यू फाइंड हो गई, ये भी सेंटीमीटर में होगा और यहाँ जो आर की वैल्यू फाइंड हुई है ये भी सेंटीमीटर में होगा। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 21 था ये सॉल्व होता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। ए वायर ऑफ लेंथ 28 मीटर, देखें कोई वायर है, इस वायर का जो लेंथ है ये लेंथ दिया हुआ है 28 मीटर। अब फिर आगे देखते हैं, ए वायर ऑफ लेंथ 28 मीटर इज टू बी कट इंटू 2 पीसेज, ये जो वायर है इस वायर को 2 पीस में कट कर दिया गया। देखें हम सपोज कर लेते एक कटिंग पार्ट इधर है और दूसरा कटिंग पार्ट इधर है, तो अगर इसको हम ए और बी एज्यूम कर लें तो ये जो पॉइंट है बीच वाला ये सी हो जाएगा। वन ऑफ द पीसेस इज टू बी मेड इनटू ए स्क्वायर, देखिए जो फर्स्ट पीस है इससे स्क्वायर मेड किया जा रहा है एंड अदर इनटू ए सर्किल, और ये जो सेकेंड पार्ट है इससे सर्किल फाइंड किया जा रहा है। अब देखिए क्या है, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ 2 पीसेज, ये दोनों पीस का जो लेंथ है वो क्या होगा, कितना होगा, सो दैट कंबाइंड एरिया ऑफ द स्क्वायर एंड सर्किल इज मिनिमम, स्क्वायर और सर्किल का जो एरिया है वो मिनिमम हो जाए। तो देखिए एक काम करते हैं, इसको हम अगर एक्स मीटर एज्यूम कर लें, ac = x मीटर, तो टोटल जो है 28 है, तो ये जो होगा
ये हो जाएगा 28 माइनस यक्स मीटर। अब आप समझें कि ये जो फर्स्ट स्क्वायर, ये जो स्क्वायर है, स्क्वायर का ये जो सम ऑफ फोर साइड जो होगा वो होगा यक्स के इक्वल, और यहाँ पर इसका जो सर्कमफेरेंस होगा वो सर्कमफेरेंस होगा 28 माइनस यक्स मीटर के इक्वल। तो अब सरफेस एरिया सम ऑफ द सो दैट कंबाइंड एरिया ऑफ स्क्वायर एंड द सर्किल। तो अब देखें, ये टोटल लेंथ हमको मालूम हुआ है, तो टोटल लेंथ मालूम हुआ है तो इसका साइड कितना है ये नहीं मालूम हुआ है। हम सपोज कर लेते हैं साइड ऑफ द स्क्वायर इज ए मीटर, ये ए मीटर के इक्वल है, एंड रेडियस ऑफ द सर्किल इज आर मीटर, ये आर मीटर है। तो अब देखें, ये यक्स एक्स मीटर को कन्वर्ट किया गया है स्क्वायर में, इट मीन्स यक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए इज इक्वल टू हो जाएगा 4a। तो अगर a की वैल्यू यहाँ से फाइंड करें तो हो जाएगा x बाई फोर। और इसके बाद देखें, ये जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट से सर्किल बन रहा है, तो सर्किल का जो सर्कमफेरेंस होता है ये 2πr होता है, और 2πr इज इक्वल टू 28 माइनस x होगा। तो यहाँ से r की वैल्यू फाइंड करेंगे 28 माइनस x अपॉन, ये हो जाएगा 2π। अब देखें, अब स्क्वायर करते हैं तो एरिया फाइंड करते हैं। तो एरिया देखें, ये स्क्वायर का जो एरिया होगा ये ए स्क्वायर होगा, और सर्किल का जो एरिया होगा ये पाई आर स्क्वायर होगा। अब इसको हम वैल्यू रखते हैं तो ए इक्वल टू ए स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस पाई, और आर स्क्वायर रख दीजिए तो ये हो जाएगा 28 माइनस यक्स का होल स्क्वायर, और फिर यहाँ 2 पाई का स्क्वायर करेंगे ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर। फिर क्या होगा, पाई से ये पाई से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, फिर ये हो गया a इक्वल टू यक्स स्क्वायर अपॉन 16, और प्लस हो जाएगा ये आपका 1/4, और ये हो जाएगा, देखिए 1/ ये स्क्वायर से कैंसिल हुआ था तो 1/4 पाई, और 28 माइनस यक्स का स्क्वायर। अब हम यक्स के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ये डी ए बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/16, डिफरेंशियल कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x प्लस 1/4 पाई, और इसका डिफरेंशियल कोफिशियंट हम फाइंड करें तो ये हो जाएगा 2, और ये हो गया 28 माइनस एक्स। अब फिर 28 माइनस एक्स का फाइंड करेंगे, 28 का 0 होगा और x का माइनस 1 होगा तो ये माइनस हो जाएगा। चलिए 2 से ये कैंसिल होगा तो ये हो जाएगा 8, और 2 से ये कैंसिल होगा 2 हो जाएगा। देन डी ए अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू यक्स अपॉन 8 और माइनस 1/2π, और ये 28 माइनस एक्स। अब देखें, यक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए इसको 0 के इक्वल करेंगे, तो जब 0 के इक्वल करेंगे तो फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ यक्स, डी ए अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0, डी ए अपॉन डी एक्स को 0 के इक्वल करते हैं तो फिर देखें क्या मिल रहा है, यक्स अपॉन 8, और ये हो जाएगा माइनस 28 माइनस एक्स अपॉन 2π इज इक्वल टू 0। और फिर इसको सॉल्व करते हैं हम, यहाँ से एलसीएम अगर ले लें तो ये हो जाएगा 8π। तो अब देखें, 8 से इसको डिवाइड करेंगे तो पाई आएगा, और पाई का x में मल्टीप्लाई कर देंगे हो जाएगा पाई x।
और 2π से फिर डिवाइड करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा, या देखें ऐसा कर रहे हैं ना, हम इसको सेपरेट करके सॉल्व कर लेते हैं, तो सेपरेट करेंगे ये x अपॉन 8 इज इक्वल टू 28 माइनस x अपॉन, ये हो जाएगा 2π। तो अब जो है 2 से इसको कट कर दें तो ये 4 हो जाएगा, यानी ये हो गया x अपॉन 4 इज इक्वल टू 28 माइनस x अपॉन पाई। अब यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो देखें यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमने कर लिया, तो अब जो है x को सेम साइड में हम ले जाते हैं, ये हो जाएगा पाई x प्लस 4 x इज इक्वल टू हो जाएगा 112, और यहाँ से अगर x हम कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा पाई प्लस 4 इज इक्वल टू 112, वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 112 अपॉन x प्लस 4, सॉरी पाई प्लस 4, तो ये x की वैल्यू फाइंड हो गई, यानी फर्स्ट जो कटिंग पार्ट था, फर्स्ट कटिंग पार्ट हमको फाइंड हो गया, लेकिन अब ये जो एरिया है, इस एरिया को हमें प्रूफ करना है कि ये मिनिमम होगा, तो अब इसका सेकेंड डेरिवेटिव हम फाइंड करते हैं, तो d2a अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू, देखें तो x का 1 हो जाएगा, ये हो गया 1/8 और माइनस 1/2π, और फिर 28 माइनस x का डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो 28 का 0 हो जाएगा और माइनस x का माइनस 1 होगा तो ये प्लस हो जाएगा। अब देखें अगर यहाँ पे x होता तो x की वैल्यू पुट किया जाता, लेकिन x नहीं है तो x नहीं है इसका, और ये वैल्यू पॉजिटिव है, तो जब ये वैल्यू पॉजिटिव है इट मीन्स कंबाइंड एरिया ऑफ स्क्वायर एंड सर्किल इज मिनिमम, ये कंबाइंड एरिया मिनिमम हो जाएगा। अब देखिए क्या हुआ, तो फर्स्ट कटिंग पार्ट 112 अपॉन x प्लस 4 रहा, तो सेकंड कटिंग पार्ट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, ये है 28 माइनस x, तो अब जो है यहां हम कर लेते हैं ये 28 माइनस x, तो 28 और माइनस x की वैल्यू है 112 अपॉन पाई प्लस 4, तो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 28 पाई और प्लस हो जाएगा 112 माइनस हो जाएगा 112 अपॉन पाई प्लस 4, तो 112 से 112 कैंसिल हो गया, ये हो गया 28 पाई अपॉन पाई प्लस 4। तो फर्स्ट जो कटिंग पार्ट था, फर्स्ट कटिंग पार्ट ऑफ द गिवन वायर इज इक्वल टू 112 अपॉन पाई प्लस 4 एंड सेकेंड कटिंग पार्ट इज इक्वल टू 28 पाई अपॉन पाई प्लस 4। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर जो 22 था, ये क्वेश्चन नंबर 22 भी आपका सॉल्व होता है, और हमें उम्मीद है कि आज जो दोनों क्वेश्चन बताए गए हैं, ये दोनों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, आप बेल आइकन को प्रेस करें, और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बतावें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।